दोस्तों, ऋषि कपूर साहब के ट्विटर प्रोफाइल पर बहुत पहले एक लाइन हुआ करता था, सन ऑफ अ फेमस फादर, फादर ऑफ अ फेमस सन। हाउ ट्रू वेर दोस लाइन्स? दोस्तों, आज ऋषि कपूर साहब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन ही विल ऑलवेज लिव ऑन इन आवर मेमोरीज थ्रू हिज फिल्म एंड हिज वंडरफुल परफॉर्मेंसेस। मैं इस वीडियो में मेरे जो फेवरेट ऋषि कपूर फिल्म्स हैं उनका एक लिस्ट बनाया हूँ, वो डिस्कस करूँगा। आप लोग का जो फेवरेट है वो लिस्ट करना कमेंट बॉक्स में। सो हियर गोस माई फेवरेट। वैसे तो ऋषि कपूर साहब ने श्री 420 और मेरा नाम जोकर जैसे फिल्मों में ऑलरेडी काम कर चुके थे एज चाइल्ड एक्टर, बट उनका जो फर्स्ट लीडिंग रोल परफॉर्मेंस था दैट वाज इन दिस फिल्म कॉल्ड बॉबी, डायरेक्टेड बाय राज कपूर साहब, उनके पिताजी। सुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म, एक ट्रेंड सेट कर दिया था ऑफ टीनेज रोमांस, एंड ऋषि कपूर साहब एज एडोरेबल एज ऑलवेज चॉकलेट बॉय रोमांटिक हीरो बन गए थे। सुपर फिल्म। दूसरा है अग्निपथ, रौफ लाला का किरदार। दोस्तों, मेरे हिसाब से आप सभी लोग यूनैनिमसली, यू गाइस विल अग्री विथ मी दैट दिस इज परहैप्स द फाइनेस्ट ऋषि कपूर परफॉर्मेंस टिल डेट, रौफ लाला इन अग्निपथ। क्या आंखों में उनका वो विलनी क्या दिखता था यार, क्या इंटिमिडेशन था, क्या नेगेटिव शेड्स था, क्या डार्क कैरेक्टर था, और क्या बखूबी उन्होंने खूबसूरती से सिनेमा पर उतारा था यार। अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस, एब्सोल्युटली सुपरलेटिव यार, सुपर्ब सुपर्ब एज रौफ लाला वॉज ऋषि कपूर इन अग्निपथ। तीसरा है फैमिली एंटरटेनर अमर अकबर एंथनी, सुपर्ब एज अकबर इलाहाबादी, चाहे वो कवाली गाते वक्त हो, या फिर निरुपा रॉय को बचा के उनके घर पर लेके जाते वक्त हो, या फिर व्हेन अकबर मीट्स एंड रीयूनाइट्स विद अमर एंड एंथनी एंड गेट्स टू नो दैट दीज आर हिज ब्रदर्स। सुपर फिल्म यार, सुपर एंटरटेनर, एंड ऋषि कपूर जानते उस फिल्म के यार, सुपर यार, मज़ा आ गया था। फिल्म आज भी कितनी भी बार मैं देख सकता हूँ विदाउट गेटिंग बोर्ड यार, एंड ऋषि कपूर सुपर परफॉर्मेंस एज अकबर इलाहाबादी। इस फिल्म के बाद अगला फिल्म जो है वो है सरगम। आई रिमेंबर जब मैं छोटा था, व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप, आई रिमेंबर वॉचिंग सरगम, एंड यार द म्यूज़िक वॉज आउटस्टैंडिंग। अभी भी वो डफली वाले जो सॉन्ग है ना, वेन एवर इट प्लेस, वो टाइम पर यू नो रेडियो पर बजता था, कैसेट्स हुआ करते थे यार, मेरे पास कैसेट था उस फिल्म का, म्यूज़िक कैसेट, तो मज़ा आता था वो गाना सुनने के लिए। एंड इवन टुडे व्हेन आई सी डफली, आई रिमेंबर ऋषि कपूर, बिकॉज वो डफली एंड ऋषि कपूर एक आइकॉनिक इमेज बन गया था आफ्टर सरगम। सुपर परफॉर्मेंस बाय ऋषि कपूर वंस अगेन। इसके बाद जिस फिल्म का नाम लूँगा दैट इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स, कर्ज। सुपर रीइंकार्नेशन स्टोरी एंड वॉट म्यूजिक यार, एंड ऋषि कपूर इन टॉप फॉर्म यार, आई लव दिस फिल्म। इस फिल्म के बाद मैं अभी के एक रिसेंट फिल्म के बारे में बात करूँगा, फिल्म दैट आई ट्रूली ट्रूली लाइक, 102 नॉट आउट। इसमें अमिताभ बच्चन साहब भी उनके साथ थे, इनफैक्ट ऋषि कपूर एंड अमिताभ बच्चन मेड फॉर अ फॉर्मेडेबल पेयर इन द अर्ली 80s ऑल्सो यार। बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने साथ में काम किया था, ब्लॉकबस्टर फिल्म्स। एंड 102 नॉट आउट का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक फादर सन का एक अनलाइकली रिलेशनशिप आपको देखने मिला था बिटवीन टू सीनियर सिटीजन, एंड दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। और सबसे अच्छी चीज़ यार यार इनका जो केमिस्ट्री है ना, ऋषि कपूर साहब और अमिताभ बच्चन का, वो इस फिल्म में यार एक अलग तरह का केमिस्ट्री था, विच बहुत बहुत अच्छा फील गुड वाला एक केमिस्ट्री लगा था यार फाइनली एट द एंड ऑफ इट। एंड एंड में बहुत रोना भी आया था, बहुत इमोशनल फिल्म है। बट द आई थिंक द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ ऋषि कपूर परहैप्स अकॉर्डिंग टू मी इन दिस फिल्म वॉज ही स्लाइटली ओवरशैडोड बच्चन साहब। सो आई थिंक ऋषि साहब थोड़ा एक एज मिला था उनको इस फिल्म में बच्चन साहब से, दैट इज़ माई ओपिनियन। 102 नॉट आउट के बाद मैं बात करूंगा कपूर एंड सन्स के बारे में, सुपर यार। 90 ईयर ओल्ड ऋषि कपूर साहब प्लेड इन दिस फिल्म यार। मुझे याद है इंटरव्यूज में ऋषि कपूर साहब ने कहा था कि वो मेकअप, प्रोस्थेटिक मेकअप सब लगा कर बैठना वॉज अ डिफिकल्ट प्रोसीजर, बहुत डिफिकल्ट था, फिर भी ही वेंट थ्रू इट बिकॉज इट वॉज अ रोल दैट ही रियली वॉन्टेड टू प्ले। सुपर परफॉर्मेंस एंड ब्लॉकबस्टर, कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म था कपूर एंड सन्स। इसके बाद मैं कॉमेडी के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, वैसे तो कॉमेडी में ऋषि कपूर वॉज एक्सेलेंट, लेकिन आज के तारीख में एक फिल्म जो मुझे याद है, विच आई रियली रियली लाइक, इज हाउसफुल 2, जिसमें ऋषि कपूर साहब और रणधीर कपूर साहब उनके बड़े भाई दोनों साथ में थे, डायरेक्टेड बाय साजिद खान। आई थिंक इट वॉज अ लाफ्टर रायट यार, एक मज़ा आ गया था। एंड ऋषि कपूर इन दैट एज चिंटू हिमसेल्फ वॉज सुपर यार, सुपर यार। आप लोग देखना, बहुत मेरे को तो बहुत मज़ा आता है वो फिल्म आज भी देख कर। एंड ऋषि एंड रणधीर साहब बोथ इक्वली गुड, बट ऋषि कपूर एज यूजुअल द सोफिस्टिकेटेड जेंटलमैन हु इज लुकिंग फॉर अ रिच ग्रूम, परफेक्ट। इसके अलावा ऋषि कपूर साहब का स्पेशलिटी ये था कि डिस्पाइट बींग अ लीडिंग एक्टर, ही वॉज नॉट शाइंग अवे
ड्यूरिंग ए स्पीक फ्रॉम एक्टिंग इन फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स। इनफैक्ट जो भी स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर फिल्म्स थे उसमें वो सपोर्टिंग रोल में भी मतलब काम करने में कोई खतराते नहीं थे, कोई पीछे नहीं हटते था। अगर आप देखोगे नगीना या फिर चांदनी या फिर बोल राधा बोल में ही इज नॉट एग्जैक्टली द सेंट्रल कैरेक्टर, बिकॉज फीमेल सेंट्रिक फिल्म है, टाइटल भी फीमेल्स के ऊपर है, चांदनी हो, नगीना हो, बोल राधा बोल हो। तो इसके अलावा भी ऋषि कपूर वॉज अ पार्ट ऑफ सच फिल्म्स, यू नो, सपोर्टेड इज फीमेल एक्टर्स एंड मेड श्योर द फिल्म बिकेम अ ब्लॉकबस्टर सक्सेस। तो दोस्तों ये था मेरा लिस्ट, आप लोगों का क्या लिस्ट है, आप लोगों का कौन सा है फेवरेट ऋषि कपूर फिल्म्स, प्लीज़ शेयर इट इन द कॉमेंट बॉक्स। ऋषि साहब वी विल ऑलवेज मिस यू। जैसे उनके फैमिली ने एक मैसेज में लिखा था, वी वुड ऑलवेज लाइक टू रिमेंबर ऋषि कपूर विद अ स्माइलिंग फेस एंड ऋषि वुड नेवर लाइक टू बी रिमेंबर्ड विद टीयर्स इन एवरी वन साइड। सो लेट्स रिमेंबर ऋषि कपूर साहब विद अ स्माइलिंग फेस, विद स्माइल्स ऑन ऑल आवर फेसेस। ऋषि साहब यू विल ऑलवेज लिव ऑन योर मेमरीज बिकॉज ऑफ योर वंडरफुल परफॉर्मेंसेस। रेस्ट इन पीस सर, रेस्ट इन पीस।